जबलपुर के कैंट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिलहरी में देर रात हुए दर्दनाक हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। जहां पिंक सिटी नामक आवासीय कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण एक मासूम और दो महिलाओं के जलने और दम घुटने से मौत हो गई। वहीं 70 वर्षीय महिला और वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में तैनात उसके बेटे को कॉलोनी के गार्ड और आसपास के लोगों ने बचा लिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसपी, नगर निगम कमिश्नर सहित फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा था। गोरा बाजार पुलिस के मुताबिक गुरुवार 5 अगस्त की देर रात 2 बजे के लगभग की ये घटना है। पिंक सिटी गेट नंबर 3 के अंदर बीच कॉलोनी में मकान नंबर 78 में ये दुखद हादसा हुआ। मकान WCL में तैनात प्रोटोकॉल इंस्पेक्टर आदित्य सोनी का है। गुरुवार रात को वह घर पर थे। भूतल सहित प्रथम मंजिल का ये मकान बना हुआ है। भूतल में उनकी 70 वर्षीय मां कैंसर पीड़िता अनुराधा सोनी किचन के सामने लगे बेडरूम में सो रही थी। वहीं आदित्य, उनकी पत्नी नेहा सोनी, भोपाल निवासी बहन रितु सोनी, भांजी परी उर्फ अन्विष्टा सोनी वर्ष प्रथम तल पर सो रहे थे। कॉलोनी के गार्ड ने देर रात 2:30 बजे आदित्य सोनी के मकान में आग देखकर शोर मचाया और वह कॉलोनी वासियों के साथ पहुंचा तो 70 वर्षीय अनुराधा सोनी चीख रही थी। सामने आग लगी हुई थी जो फैल कर प्रथम मंजिल तक पहुंच गई थी। वहीं बालकनी से आदित्य सोनी चीख रहे थे। लोगों ने मां बेटी को किसी तरह निकाला पर नेहा, रितु और परी कमरे में ही फंस गई। नेहा बचने के लिए बाथरूम में छिप गई थी लेकिन धुआं और आग की गर्मी ने जान ले ली। नेहा की लाश बाथरूम में मिली, वहीं रितु और परी की लाश बेड पर पड़ी थी। रात लगभग 2:39 पर फायर ब्रिगेड को सूचना मिली थी जिस पर ड्राइवर अजय कुमार शर्मा दल के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाई। आग बुझने के बाद लोग अंदर पहुंचे तो तीनों की लाश मिली। सूचना पर गौरा बाजार TI सहित कैंट CSP भावना मरावी, ASP गोपाल खांडे, SP सिद्धार्थ बहुगुड़ा, विधायक कैंट अशोक रोहाणी, नगर निगम कमिश्नर संदीप जिया, नायब तहसीलदार नीरज कथरिया, FSL डॉक्टर सुनीता तिवारी और फायर ब्रिगेड प्रभारी कुशाग्र ठाकुर पहुंचे थे एवं घटना को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। तीनों शवों को मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी भिजवाते हुए 70 वर्षीय अनुराधा सोनी की तबीयत खराब होने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक आदित्य सोनी की एक बहन वर्षा सोनी ऑस्ट्रेलिया में रहती है। बहन रितु और भांजी परी 10 दिन पहले ही भाई के घर आए थे। पत्नी भांजी व भांजी की मौत से आदित्य सोनी बदहवास से हो गए हैं। वहीं मां अनुराधा सोनी को अभी तीनों मौतों के बारे में नहीं बताया गया है। आप लोग सो रही होंगी, अचानक फिर क्या हुआ, क्या देखी? एक्चुअली सर इतना मतलब ये तो मेरे हस्बैंड बेड में, तो 12 बजे गए ड्यूटी, फिर हम लोग सो गए, फिर आवाज़ आई भैया के चिल्ला रहे कि बचाओ बचाओ, फिर वॉचमैन सब निकले। हाँ। यहाँ पर पूरा आग लगा हुआ था सर। कैसे उनकी, जैसे माता जी को आपने लोगों ने कंबल से कैसे उड़ा के निकाला, कैसे किया? ये सब तो सर बाद में हुआ है, फायर ब्रिगेड वगैरह आ गई थी, सब आ गए थे, फिर उसके बाद ये सारा चीज हुआ। उठ के गए थे गेट वगैरह, ये सब वॉचमैन भैया और बाकी जो यहाँ पे थे और भी नेबर्स हमारे। क्या नाम लिखती है? जागृति। जागृति, आप भी थे, घटना की जानकारी लगी थी आपको? फैल चुकी थी जी। क्या नाम लिखती है मैडम? फूललता मजुमदार। कौन कौन जुड़े, कौन कौन हुए हैं? तीन लोग। कौन कौन है, नाम बताएं? उम्र क्या होगी और बच्ची है? एक 7 ईयर की बच्ची, 7 साल की बच्ची है, वो भोपाल से आए हुए। भोपाल से आए थे। अच्छा, दो लोग जो अभी घायल हो गए वो अस्पताल के लिए? उनको तो भैया। मैडम वो हमको गार्ड का नंबर चाहिए। गार्ड का नंबर यहाँ पे जलने से 3 लोगों की मृत्यु हुई है और उसकी जो कारण है, किस कारण से आग वगैरह लगी, उसकी जांच अभी जो पुलिस की टीम है और जो फायर की टीम है वो कर रही है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा। कैसा आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।